फेसबुक सीजन एक्सपायर्ड प्रॉब्लम। दोस्तों फेसबुक में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप अपना फेसबुक यूज करते जा रहे हो और कुछ दिन बाद अगर आप अपना फेसबुक ओपन करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है सीजन एक्सपायर्ड। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते। जो मेरी आइडिया उसमें भी ये हो गया था और मैंने उसको कैसे सही किया वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको फेसबुक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है और आप चाहे तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी नाम शो हो रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूं। तो सबसे पहले मैं अपना फेसबुक ओपन करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने सीजन एक्सपायर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो दोस्तों वीडियो बनाने से पहले मेरी इस आईडी पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, जैसे कि आप भी कर सकते हैं। सिंपली आपको करना है कि आपको बैक आ जाना है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। और आपको करना है कि आपको उसको प्रेस करके रखना है फेसबुक को, सॉरी ये ओपन हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। आपको फेसबुक को प्रेस करके रखना है और इसके ऐप इन्फो में चले जाना है। ऐप इन्फो हर फोन में होता है, तो आप देख सकते हैं ऐप इन्फो, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको इसका फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको स्टोरेज यूसेज में जाना है, आपके में कुछ कहीं भी हो सकता है। इसके बाद आपको इधर क्लियर कैच पर क्लिक कर देना है और क्लियर डाटा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लियर डाटा करते हो और अपना फेसबुक ओपन करते हो तो उसके बाद आपको जितना भी डेटा होगा आपके फेसबुक का वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जैसे इस फेसबुक को ओपन करता हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आता है लॉगिन का। जैसे ही अब आप इसमें लॉगिन करोगे तो आपका सीजन एक्सपायर्ड की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होगी, आपका सीजन एक्सपायर्ड नहीं दिखाएगा। और गाइस अगर आप इसको मैं लॉगिन करते हो और जब भी आपका सीजन एक्सपायर्ड दिखाता है तो आप सिंपली एक काम करना, फेसबुक को अनइंस्टॉल करके उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेना, यानी कि डाउनलोड कर लेना, तो आपकी कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मुझे कमेंट में जरूर बता। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने फेसबुक में जो सीजन एक्सपायर्ड की जो प्रॉब्लम आई है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको फेसबुक से रिलेटेड वीडियो चैनल पर मिलती रहती है। आप चाहे तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी नाम शो हो रहे हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय भीम जय भारत।